हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जब आप BSE की साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो। जब आप BSE की साइट पर जाओगे, कॉरपोरेट एक्शन पर क्लिक करोगे, निश्चित रूप से आपको वहाँ PDF उपलब्ध दिखाई देगा। दोस्तों, उस PDF को डाउनलोड करने के बाद आपको 24 पेज की यह लंबी चौड़ी PDF आपको दिखाई देगी। दोस्तों, पेज को स्क्रॉल करते हुए मैं मेन फैक्ट्स पर जाता हूं। दोस्तों, जी हां दोस्तों, 8वें पेज पर यह आपको रिजल्ट का फिगर दिखाई देगा। दोस्तों, जी हां दोस्तों, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर 31 दिसंबर 2020 का आंकड़ा मैं ले रहा हूं दोस्तों, 31 दिसंबर मतलब इस क्वार्टर की मैं बात करूं दोस्तों, क्वार्टर थ्री की, तो यह है 1,28,450 पर करोड़ का रहा है। जबकि आप पिछले क्वार्टर का 30 सितंबर 2020 का देखोगे तो 1,20,444 करोड़ का रहा है। दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मुझे लगता है 6 से 7% की जंप फिलहाल दिखाई पड़ती है। अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की हम बात करें दोस्तों, 14,894 करोड़ का रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 10,602 करोड़ का, ज़बरदस्त जंप दिखाई देती है दोस्तों प्रॉफिट फॉर द पीरियड के लिए। इसके अलावा अगर हम ओनर्स ऑफ द कंपनी के लिए नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों, तो 13,101 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है दोस्तों, जबकि यह पिछले क्वार्टर में 9,567 करोड़ का रहा था। चलिए दोस्तों, अब हम मेन फैक्ट्स को आर्टिकल के माध्यम से रीड करेंगे, उससे समझेंगे। चलते हैं हम एक ET मार्केट के न्यू आर्टिकल पर, जिस पर हम इस रिजल्ट को ब्रीफली। तो दोस्तों, हम आ गए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आर्टिकल पर, जहां पर आप देख सकते हो रिलायंस जियो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट हेडलाइन है दोस्तों, जबकि नेट प्रॉफिट राइजेज 16% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको प्रॉफिट में जंप दिखाई पड़ती है, जबकि ARPU 151 का हो गया है दोस्तों, जबकि मुझे जहाँ तक याद है यह 145 का पिछले क्वार्टर पर आया था दोस्तों डिजिटल सर्विसेज के लिए। चलिए दोस्तों, हम ब्रीफली इस आर्टिकल को देखते हैं। तो जहां पर आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने बात किया, नेट प्रॉफिट 3,291 करोड़, जिसमें जंप 16% किया दोस्तों, यह आंकड़ा है। जबकि रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग 6% से 7% की जंप। जी हाँ दोस्तों, रेवेन्यू में 6% की जंप, 18,492 करोड़ का यह दर्ज हुआ है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू पर यूजर, मतलब 151 करोड़ का जियो के लिए आया है दोस्तों, जबकि स्टीम एनलिस्ट का एस्टिमेट था 148 से 150 रुपये का, यह एस्टिमेटेड था, और प्रीवियस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 145 पर आया था। इसके अलावा अगर कंपनी के सब्सक्राइबर बेस्ड की बात करें दोस्तों, सब्सक्राइबर बेस में आप देख सकते हो, जहाँ पर 31 दिसंबर तक का ये आंकड़ा बता रहे हैं कि 410.8 मिलियन सब्सक्राइबर इनके हो चुके हैं, जबकि कंपनी ने 5.2 मिलियन न्यू यूजर्स को बढ़ाया है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का, अगर हम इस क्वार्टर के लिए जियो का प्रॉफिट देखें दोस्तों, तो 6.4% की इंक्रीजमेंट हुई है, जो कि आंकड़ा रहा है 8,483 करोड़ का। अगर यह प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो दोस्तों, प्रीवियस क्वार्टर से 6% की बढ़ोतरी इसमें दिखाई पड़ती है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो 43.6% का प्रॉफिट मार्जिन रहा है, जबकि यह पिछले सेम क्वार्टर में 43.1% का रहा था दोस्तों। और कंपनी की अगर परफॉर्मेंस की आज की ट्रेडिंग की बात करें दोस्तों, कंपनी की क्लोजिंग प्राइस 2049 पर दिखाई पड़ी है दोस्तों। यह है शायद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, यह NSE की क्लोजिंग 2049 पर दिखाई पड़ती है। चलिए दोस्तों, अब हम अब कंपनी के कारोबार पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस का पैरामीटर्स। चलिए दोस्तों, हम फिर से एक नए आर्टिकल पर आ गए हैं, जहां पर आपको दिखाई पड़ता है रिलायंस Q3 रिजल्ट्स, पैट राइजेस
फ्रॉम 12.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस, और यह एस्टिमेट को बीट किया है, एनलिस्ट के एस्टिमेट को बीट किया है। सेल्स जंप टू 21%। चलिए दोस्तों हम इसको डिटेल में समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 12.5% का नेट प्रॉफिट में जंप दिखाई पड़ा है दोस्तों, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेरिजन करते हैं, जो कि आंकड़ा है 13,101 करोड़ का जंप दिखाई पड़ा है दोस्तों। अगर हम मैं बात करूं दोस्तों इसका रेवेन्यू का, तो 1.2 लाख, जिसकी मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं दोस्तों, 21% की जंप फिलहाल दिखाई पड़ती है दोस्तों। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें, जो कि रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल के कारोबार से है, जो कि रहा है 83,838 करोड़ का दोस्तों, जबकि यह सेम एक साल पहले यह 19 लाख करोड़ का रहा था दोस्तों। इसके अलावा इन कंपनी ने यह भी मेंशन किया है कोविड-19 का इफेक्ट है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम डिजिटल सर्विसेज की बात करें दोस्तों, तो डिजिटल सर्विसेज में ज़बरदस्त जंप देखने को मिलती है दोस्तों। अगर रेवेन्यू की बात करें तो दोस्तों 23,678 करोड़ का रेवेन्यू इनका जनरेट हुआ है, जबकि 17,894 का यह प्रीवियस ईयर में दर्ज किया गया था दोस्तों। अगर हम बात करें रिटेल सेगमेंट की दोस्तों, तो रिटेल सेगमेंट में आप देख सकते हो यह 36,887 करोड़ का रहा है, जबकि प्रीवियस इन द क्वार्टर, जो कि एक साल पहले इसी सेम क्वार्टर में 45,348 का रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें रिटेल ऑपरेशंस में कोविड-19 का इफेक्ट दिखाई पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम शेयर प्राइस की बात करें, तो मैं ऑलरेडी इस पर बात कर चुका हूं दोस्तों, 2049 पर इसकी क्लोजिंग प्राइस रही है। अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी जी, जो चेयरमैन हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के, उन्होंने कहा है कि कंपनी का परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव रहा है। इसके अलावा कंपनी ने 50,000 मोर पीपल्स को अटैच किया है अपने कारोबार में। निश्चित रूप से एक बेहतर प्रदर्शन मुझे दिखाई देता है दोस्तों कंपनी की तरफ से। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अब NSE के साइट पर, जहां हम आज की कारोबार को चलिए दोस्तों, तो हम आ गए हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कारोबार के बारे में चेक करने के लिए। चलिए दोस्तों अब हम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कारोबार चेक कर लेते हैं। हम हैं NSE की साइट पर, जहां पर आप रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की क्लोजिंग प्राइस 2047 पर पा रहे हो। जी हां दोस्तों, 2.45% गिरावट के साथ यह रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आज बंद हुआ है, आज का कारोबार हुआ है दोस्तों, जहाँ प्रीवियस क्लोज 2099 का था और ओपन 2111 पर हुआ, हाई इसने 2115 का लगाया दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम डिलीवरी की पोजीशंस चेक कर लेते हैं, जहां पर आप क्वांटिटी ट्रेडेड देख रहे हो, जो कि 1,40,00,000 की है। डिलीवरेबल जो क्वांटिटी परसेंटेज में आ रही है दोस्तों, वो 24.93% की है, जबकि यह एग्जैक्ट फिगर में 35,00,000 से ऊपर की डिलीवरी क्वांटिटी आज के डेट में उठी है दोस्तों। तो दोस्तों ये था रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का आज का कारोबार। चलिए दोस्तों हम अब सीधे चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के चार्ट पर, जहां पर आप देख रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का क्लोजिंग प्राइस 2047 पर दिखाई पड़ता है दोस्तों। इस कैंडलस्टिक की बात करें, तो मुझे लगता है एक बेहतर डिमांड जोन में ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बन रहा है दोस्तों। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम भी बेहतर पोजिशंस में दिखाई देता है। इवन RSI और MACD का पैरामीटर भी मुझे पॉजिटिव दिखाई देता है दोस्तों। अगर आपकी पोजीशन से दोस्तों, तो आपको होल्ड करना चाहिए। कहाँ तक होल्ड करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा दोस्तों। लेकिन हम वन डे के चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वन डे के चार्ट पर आप देख सकते हो कि वन डे के चार्ट को अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो वन डे का चार्ट अगर हम देखेंगे, तो निश्चित रूप से एक कैंडलस्टिक है, जो निश्चित रूप से एक सेलिंग कैंडलस्टिक है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम पर ध्यान देंगे, तो वॉल्यूम इसको सपोर्ट नहीं करता है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम RSI की बात करें, तो भी ये पॉजिटिव है, और इवन MACD भी पॉजिटिव है। तो मैं अगर पैरामीटर्स देखूँ दोस्तों, तो निश्चित रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जिसने पोजिशंस बना रखी है या जिसने होल्ड किया है शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म, मुझे लगता है उनको अपनी पोजीशंस बरकरार रखनी चाहिए। एक स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म में लगाना चाहिए दोस्तों,
ये मेरी खुद की राय है, आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से निश्चित रूप से सलाह लेने दोस्तों। 1980 रुपये का स्टॉप लॉस मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में शॉर्ट टर्म के लिए बनाना चाहिए, और टारगेट में दोस्तों निश्चित रूप से आपको 2140 से 2190 रुपये तक का टारगेट रखना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 2140 से लेकर 2190 रुपये तक का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये तो था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में दोस्तों, ये पूरा एनालिसिस। इसके अलावा भी क्या नेक्स्ट पोजीशंस आप बनाना चाहते हो, क्या नहीं बनाना चाहते हो, उस पर निश्चित रूप से आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।